नमस्कार दर्शक बंधु मुझ बलराम आप स्वागत करती आपर यूट्यूब चैनल मोटिवेशन मास्टर ओडिया चैनल को। दर्शक बंधु आज वीडियो में बीईडी बा बीएचईडी संपर्क में आलोचना करवा। तो यह वीडियो में आम केवल बीएचईडी संपर्क में आलोचना करवा, आसंता वीडियो में आम बीईडी संपर्क में आलोचना करवा। तो आपने जानते हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को आपर बीईडी और बीएचईडी कंडक्ट कर वर्तमान। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट 2021-23 शिक्षा वर्ष पर तार नोटिफिकेशन बाहर करछि बीएचईडी और बीईडी कोर्स में नाम लिखाई। तबे ए वीडियो में बीएचईडी संपर्क में आलोचना करवा, हिंदी बीड संपर्क में आलोचना करवा। तो आपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन रहा, आपने किपर एप्लाय करेंगे, आपर एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्यों भितर हो संपर्क में डिटेल आलोचना करवा। प्रथम आम आलोचना करवा जे आपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन र। तो आपने जदि बीएचईडी प्रोग्राम नाम लिखा चाहते तेज आपर बीए बीएससी कि बीकॉम विथ 50% मार्क रही आवश्यक। जब आप एससी एसटी कि एसीबीसी कि पीएच कैंडिडेट को बिलंग करते तेज आपर 45% मार्क रही आप्लाय करेंगे। जदि आपने फाइनाल इयर रफियरी एग्जामिनेसन देखते तेब आप्लाय करेंगे जदि आपर वर्तमान पर्यंत रिजल्ट आसीना। तेज जदि आपर ग्राजुएसन हिंदी पास किंबा ऑनर्स किंबा इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं तबे आपण माने राष्ट्रभाषा रतन करथिबे जहाँकि प्रचार समिति वार्धाटारु करथिबे किंबा शास्त्री फ्रॉम ओडिशा राष्ट्रभाषा परिषद तरफ पुरी रु करथिबा आवश्यक बा आपण माने स्नातक करथिबा आवश्यक तबे जाय आपण मानकर ग्रांट हबो। एहा केवल अप टू 2005 पर्यंत ए रत्न वार्धार ग्रांट हबो, एहा पूर्वरु सॉरी एहा परे होइतिले एहा ग्रांट हबो नाही। तबे आपण मानकर टोटल सीट रही 50 सीट जहाँकि गवर्नमेंट हिंदी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कटक तरफ आपर 50 सीट रही। तो एथिरे आपण मानकर एससी एसटी एसीबीसी एवं अनरिजर्वड कैटेगरी डिटेल दि जाए कार के परसेंट रिजर्वेशन रहा स्क्रीन में देखि पारे। बर्तमान चलते देखने जे एपाई आपर एज लिमिट कौन रहा आवश्यक जहाँ आप 30/8/2021 सुधा हिसाब करने जदि आप एससी एसटी कि एसीबीसी कैंडिडेट होती तेज आपण 33 वर्ष मैक्सिमम एज रहीपर। आप वुमेन कैंडिडेट होती अल् कैटेगोरी आप 33 वर्ष रहीपर। आप जनरल कैंडिडेट मानक 28 वर्ष और पीएच कैंडिडेट मानक 38 वर्ष रही। आपर रेसीडेल सार्टिफिकेट दरकार कैश सार्टिफिकेट दरकार जब आप पीएच कैंडिडेट होता तेज आपण पीएच सर्टिफिकेट आवश्यक होता है। तेज निहती भाव में स्वावलंबन कार्ड थी आवश्यक जहाँकि आपर पीएच कैंडिडेट मानक निहती आवश्यक स्वावलंबन कार्ड रही आवश्यक। जदि आपने स्वावलंबन कार्ड बर्तमान पर्यटन एप्लाय करना तेज www.swavalambankard.gov.in को जी आप्लाय करें। बर्तमान देखा आम बीएचईडी प्रोग्राम नाम लिखापी गोटे एंट्रेंस टेस्ट हम जहाँकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हम ता पेपर वन एवं पेपर टू आपर हे। तो पेपर पेपर वन आपर टोटल मार्क रिश मार्क और पेपर टू रपर 60 मार्क। तो पेपर वन आपण इंग्लीश जनरल अवेयरनेस रिजनिंग एवं टीचिंग एप्टीट्यूड पचारपरी आप पेपर टू रे हिंदी ओडिया पचार तेज आपर जनरल अवेयरनेस आपर 5 मार्क आस एवं रिजनिंग 5 मार्क आसीबो एवं टीचिंग एप्टीट्यूड आपण मानकर 10 मार्क आसीबो सेपरी इंग्लिश लैंग्वेज आपर 10 मार्क आईपरी पेपर वन टोटल 30 मार्क आसीबो सेपरी आपर हिंदी 40 क्वेश्चन सहित 40 मार्क आसीबो सेपरी ओडिया 20 क्वेश्चन सहित 20 मार्क आसीबो टोटल 60 मार्क आसीबो हिंदी एवं ओडिया रे। यदि आपण डिटेल सिलेबस रो एनालिसिस चाहते तबे आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखु। आम आगामी दिन में हिंदी बीड पे आवश्यक सिलेबस रो डिटेल एनालिसिस करिबा तबे निहत भाव में आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखु। तबे आपण माने किपर एप्लाय करिबे आपण माने साम्स ओडिशा gov.in माध्यम रे आपण माने एप्लाय करिपरिबे। तो एथिपई आपण मानकु 500 टंका रो फीस देबा पड़े। जदि आपण माने एससी एसटी कैंडिडेट होथंती तबे आपण मानकु 300 टंका रो फीस देबा को पड़िबो। तो आपण मानकर सिलेक्शन प्रोसीजर एंट्रेंस एग्जामिनेशन माध्यम रे हेबो। आशा करे वीडियोटी आपण माने अनेक तथ्य पाई सारी जदि यही तथ्य मध्य आपर कौन डाउट रहे तेबे कमेंट करूँ। वर्तमान आम स्क्रीन रे देखि पारथुबे जे एही सब डॉक्यूमेंट गुड़िक आपण को एंट्रेंस एग्जामिनेशन रे अप्लाई करने आवश्यक थाए निहत भाव में ये डॉक्यूमेंट गुड़ी थे ओवरलुक करनी जो डॉक्यूमेंट गुड़िक आपण वर्तमान डेट फेल हो जाए कि आपण पाखे ना तेज आप्लाय करते। तेब ये वीडियो एति की रोची। नमस्कार, बंद कर जानू।